नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक और टॉपिक देखते हैं, और ये हमारा डिमोन्स्ट्रेशन वीडियो है किसका, तो फॉली कैथेटर का। यानी कि ये हमारे देखिए फॉली कैथेटर हैं जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि जो भी यूरिन है वो पास हो जाए। यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, यानी मान के चलिए सर्जरी परफॉर्म हो रही है या फिर कुछ ऐसा प्रोसीडर हो रहा है जो कि बहुत टाइम लेगा, तो उस टाइम में यूरिन पास करने के लिए ये होता है। और इसको कनेक्ट किया जाता है यूरो बैग से, जो कि इस तरह का यूरो बैग होगा। देखिए इस तरह का यूरो बैग होता है, देखिए ये हमारा यूरो बैग है। इस तरह के बैग में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो भी यूरिन है वो इसमें आके स्टोर हो जाए, जमा हो जाए। तो देखिए हमारा यूरो बैग एक और तरह का होता है, और ये देखिए इस तरह का भी यूरो बैग आता है। ये भी पैक है पूरा, देखिए ये हमारा यूरो बैग है। और ये देखिए यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। ये जो हमारा फॉली कैथेटर है, देखिए ये हमारा फॉली कैथेटर है, ये फॉली कैथेटर है। ये जो हमारा फॉली कैथेटर है वो सिलिकॉन से बना है। यानी देखिए ये सिलिकॉन से बना कैथेटर है, और ये जो हमारा येलो कलर का कैथेटर है वो लेटेक्स से बना होता है। मेनली ओटी में यही दोनों जो फॉली कैथेटर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके बारे में अभी अच्छे से और डिटेल में देखते हैं। हमारा यूरो बैग है जिसमें कि ये जो बैग है इसमें हमारा यूरिन जो है कलेक्ट होता है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है। यानी कि एक जो है यूरो बैग के पाइप को कनेक्ट करने के लिए होता है, और एक पोर्शन जो है वो फ्लश करने के लिए होता है। यानी कि अगर हम लोग उससे अगर फ्लश कर देते हैं, यानी कि जो एनएस होता है सिरिंज लेके और यहाँ से फ्लश कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारा होता है वो इन्फ्लैट हो जाता है, जो कफ होता है इन्फ्लैट हो जाता है, और ये हमारे ब्लैडर में जाके फिक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक ओपनिंग है, होल है, जहाँ से कि यूरिन आएगा और इस पाइप के थ्रू आते हुए, और यहाँ से हमारा जो है ये पाइप कनेक्ट होता है। ये जो हमारा पाइप है वो यहाँ से कनेक्ट होगा, और इस पाइप के थ्रू हमारा ये इस बैग में आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेटेक्स से बना हमारा कैथेटर है, फॉली कैथेटर है, और ये हमारा जो है इरिगेशन के लिए होता है, और ये हमारा पाइप जो है उसे कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। यानी ये बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए होता है, और ये हमारा जो फॉली बैग है, जो बैग है यूरो बैग, उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। और ये भी हमारा सेम वैसा ही है, यानी कि ये जो है देखिए इस तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारा सिलिकॉन से बना होता है। एक पोर्शन जो हमारा है वो यूरो बैग के पाइप से कनेक्ट होगा, और दूसरा पोर्शन जो है सिरिंज से फ्लश करते हैं, सिरिंज से फ्लश करके यहाँ पर जो होता है कफ उसे फ्लैट किया जाए, इनफ्लैट कर देते हैं, फुला देते हैं, ताकि वो हमारे ब्लैडर में जाके फिक्स हो जाए। तो मेनली यूरो बैग और जो हमारा ये फॉली कैथेटर है उसका काम यही होता है कि अगर कोई सर्जरी हो रही है पेशेंट की, या फिर कोई प्रोसीडर हो रहा है जो कि बहुत टाइम लेगा, तो उतने टाइम तक पेशेंट जा नहीं सकता है यूरिन पास करने, तो इसीलिए उनके जो ब्लैडर हैं उसमें इंसर्ट किए जाते हैं फॉली कैथेटर। और ये फॉली कैथेटर जो होते हैं सर्जरी के बाद भी पेशेंट के बॉडी में ब्लैडर में इंसर्ट किया रहता है, क्योंकि पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं। तो मेनली फॉली कैथेटर इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तो अभी दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो हमारा है मेनली यही इस तरह के फॉली कैथेटर यूज होते हैं, और ये हमारा यूरो बैग है। तो अगर हम लोग कभी भी फॉली कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर जेली लगा के, और जो भी हमारा पाथवे है उससे हम लोग इसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट कर देंगे। तो अगर फीमेल में हो रहा है तो उनका जो है यूरेथ्रा पहचानेंगे, और फिर उसमें यहाँ पे जेली लगा के इंसर्ट करेंगे, और फिर क्या करते हैं यहाँ से फ्लश करते हैं, यहाँ से जो सिरिंज होता है उसमें एनएस लिए रहते हैं 10 ml, और फ्लश करके यहाँ पे जो कफ होता है उसे इन्फ्लैट कर देते हैं ताकि उनके ब्लैटर में जाके वो फिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो होता है पाइप जो हमारा है ये यूरो बैग का, वो कनेक्ट कर देंगे ताकि जो भी यूरिन है वो इसमें जाके कलेक्ट हो जाए। और ये हमारा लेटेक्स का जो होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रखना होता है, और जो सिलिकॉन का होता है उसे हम लोग कुछ दिन तक छोड़ सकते हैं, यानी कि डेली चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो मेनली ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते हैं सिलिकॉन से। लेटेक्स जो होता है थोड़ा सा इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेनली यही हमारा फॉली कैथेटर है, ये यूरो बैग है, और इसका जो प्रोसीडर है वो बहुत सारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैं भी ट्राई करूँगी कि जो फॉली कैथेटराइजेशन होता है उसका प्रोसेस जो है आप लोग को दिखा दूँ। तो अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
तो अभी यही दोनों हमारा फॉली कैथेटर है, ये यूरो बैग है, तो इसके बारे में इतना नॉलेज जो है सफिशियंट है। अगर आप ओटी में जाते हैं तो अगर आपको इतना पहचान रहता है तो आप ओटी में जो है थोड़ा तो थोड़े दिन बाद और सीख जाइएगा और क्या। तो देखिए इसके नंबर भी होते हैं, आप यहाँ से जो है इसका नंबर पहचान सकते हैं। ये जो 15 लिखा, सॉरी ये जो 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, वो इसका नंबर है। तो फॉली कैथेटर मांगा जाए 12 नंबर का, तो देखिए इस कलर का होता है, ठीक है, इस कलर का होगा और ये 12 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा लेटेक्स का है, इसका भी यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। जो भी फॉली कैथेटर है उसका यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा। तो फॉली कैथेटर जो एडल्ट होते हैं उन्हें 12, 14, 16 ऐसे ये सब फॉली कैथेटर पढ़ते हैं, बच्चों में 8, 10, 6 इस तरह के फॉली कैथेटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है, एज के अकॉर्डिंग जो है, ये फॉली कैथेटर डिसाइड होता है कि किसमें क्या पड़ेगा। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय।